इस वीडियो में हम ज्वाइंट फ़ोटो बनाना सीखेंगे, वो भी टेलीपोर्ट एप्लीकेशन से। और ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। यहाँ पे आप फाइल मैनेजर के राइट साइड में देख पा रहे होंगे कि एक आई का निशान बना हुआ है, आँख का निशान बना हुआ है। यहाँ पे एक मेरा टेलीपोर्ट एप्लीकेशन है और इसको हम ओपन करेंगे। बताना चाहेंगे फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो हमने सबसे पहले इसको ओपन कर लिया और इसके बाद यहाँ पर राइट साइड में हम टिक करेंगे तो गैलरी हमारा ओपन हो जाएगा। और गैलरी ओपन होने के बाद में हमको यहाँ पे तीन चीज़ों की आवश्यकता होगी, एक तो कस्टम बैकग्राउंड और जो दो फ़ोटो को हम ज्वाइंट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना ये वाला फ़ोटो ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने टिक किया और राइट का जो निशान है ऊपर, इसको हम टिक कर देते हैं। तो ये बैकग्राउंड को रिमूव करेगा हमारे, तो वो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हो हमारे तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए हमारे पास जानकारी भी होनी चाहिए और थोड़ी सी मेहनत भी करनी होती है ताकि आप लोगों को जानकारी मिल पाए। तो अब ये यहाँ पे फ़ोटो जो है अपलोड हो गया। अब हम इसको जो राइट साइड में ऑप्शन है, तो यहाँ पे हम अपने यहाँ पे भी कुछ आपको बैकग्राउंड मिल जाते हैं अगर आप इनमें से कोई लेना चाहें तो। बट मैं यहाँ से कोई नहीं लेना चाहता, यहाँ पे लेफ़्ट साइड वाले पे मैं और टिक करूँगा और टैप करूँगा। तो यहाँ पे इनको सेट कस्टम बैकग्राउंड का ऑप्शन मिल जाता है नीचे, यहाँ पे मैं टैप कर दूँगा और यहाँ पे मैं ये जो बैकग्राउंड है फ्लावर वाला, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और सेलेक्ट करने के बाद फिर मैं यहाँ पर राइट के निशान पर टिक कर देता हूँ तो ये बैकग्राउंड यहाँ पर हो जाता है सेट। तो अब हम इस पिक्चर को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, तो मैंने इसको यहाँ पे इसलिए कर दिया क्योंकि वो जो जो फ़ोटो मैं इसके साथ ज्वाइंट करने वाला हूँ वो थोड़ी सी लंबी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा और छोटा कर दिया जाए। तो चलो मैं यहाँ से इसको अपने हिसाब से ऐसे सेट कर देता हूँ। और अब हम यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे तो यहाँ पे हमको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे ये नीचे सेव्ड लिखा हुआ आ गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि इस टेलीपोर्ट में ही यहाँ पे फिर से टिक कर देंगे, यहाँ पे मैंने बैक कर दिया था। और अब हम इस जॉइंट फ़ोटो को यहाँ पे ले लेंगे, सॉरी इसको हम नहीं लेंगे, हमको जिस फ़ोटो को लगाना है पहले हम उस फ़ोटो को लेंगे। तो गैलरी के निशान पे हमने टिक कर दिया और उसके बाद में फिर हम यहाँ पे इस फ़ोटो को हमको ज्वाइंट करना है, मुझे अपने साथ इस फ़ोटो को ज्वाइंट करना है। तो इसको मैं यहाँ पर अपलोड कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं राइट के निशान पर टिक करूँगा तो ये इस बैकग्राउंड को रिमूव करेगा जो ये जहाँ पे ये फ़ोटो को खींचा गया है। और थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, यहाँ पे जैसे बैकग्राउंड रिमूव होता है तो हम इसको जॉइंट फ़ोटो कैसे बनाते हैं मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद फ्रेंड हमको क्या करना है कि वापस हमको कस्टम बैकग्राउंड पे जाना है और यहाँ पे हमको कस्टम बैकग्राउंड पे हमको टैप करना है और उसके बाद हमको ये वाली फ़ोटो जो है सेलेक्ट कर लेना है। तो हमने इस फ़ोटो को सेलेक्ट कर लिया और इस वाले जो राइट के निशान है इसमें हम टिक कर देते हैं। अब इस फ़ोटो को हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका है यहाँ से। इसके बाद अभी हमारा फ़ोटो जॉइंट हो गया, 1 मिनट, और उसके बाद हम डाउनलोड वाले ऑप्शन पे जो है अब ये हमारा फ़ोटो जो है जॉइंट बन गया है, ठीक है। आपको मैं दिखा भी देता हूँ ओपन करके। अब यहाँ से मैं फाइल मैनेजर में जाता हूँ, यहाँ से फ़ोन स्टोरेज, DCIM और टेलीपोर्ट, और सबसे ऊपर वाला है जो फ़ोटो है यही हमारा वो फ़ोटो है जो हमने जॉइंट किया था। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो इस तरह से हम आप एक कस्टम बैकग्राउंड के साथ किसी भी फ़ोटो को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पज़ से बनाई है, इसका आप दुरुपयोग ना करें।